हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्विस लेटर जब आप पोस्टिंग करते हैं, जब आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको सर्विस लेटर भेजना रहता है। मान लेते हैं चार्ज रिपोर्ट के रूप में हो, चाहे फिर आप आरपीएलआई इंडेक्सिंग की है तो आपको भेजना है, चाहे कोई लेटर भेजना है, कोई आपको कंप्लेन करना है, तो इस तरह से लेटर पोस्टिंग करना होता है आरएसीटी में। तो आपको बताते हैं कि कैसे सर्विस लेटर पोस्टिंग किया जाएगा। सर्विस लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप रजिस्ट्री करेंगे तो पैसा देना होगा। सर्विस लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय के लिए फ्री रहता है। तो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है? चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये बार कोड है, इधर से निकाल लेते हैं। इसमें ही था, लगा देते हैं, ठीक है? एक और देखिए, हमारे पास एक लेटर है, इसको हमको पोस्टिंग करना है। इस तरह से फॉर्म लिख देंगे, टू लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आरएसीटी में जाएंगे, आरएसीटी में जाने लॉगिन कर देंगे आरएसीटी को। आरएसीटी को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए डेमो बुकिंग होता है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल देते हैं, अगर आपको लेटर कि आपको सबसे पहले डे बिगिन करना होगा, ठीक है? डे बिगिन करने के बाद, डे बिगिन यहीं से इसी में ही होता है, तो बगल में आइकॉन रहता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए खुल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट मेल बुकिंग लिखा हुआ है, यही है आरएसीटी। ले रहा है भाई, देखिए हमारे पास खुल के आया है, और इसको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं आगे पीछे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है डे बिगिन करने के लिए, तो हम डे बिगिन कर देते हैं, ठीक है? डे बिगिन करेंगे, यहाँ डे बिगिन हो रहा है, ओके। टाइम लेगा थोड़ा सा डे बिगिन होने में, प्लीज वेट, वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे लिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू फॉर डे बिगिन ऑफ 29/1/2023। हमको यहाँ पे ओके कर देना, ओके कर देंगे, प्लीज वेट, वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, थोड़ा देर और टाइम लेगा। अगर नेटवर्क अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, डे बिगिन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा, 8-10-15 मिनट भी ले सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत आदमी डर जाता है कि क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। पहले हमको भी डर लगता था, लेकिन हम समझ गए हैं, अगर नेटवर्क अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, नेटवर्क स्लो है तो नहीं। थोड़ा देर रुक जाते हैं। तो यहाँ देखिए डे बिगिन हो गया है 29 तारीख के लिए, हमको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ बगल में रजिस्टर लेटर बुकिंग है, ठीक है? डे बिगिन के बगल में ही रजिस्टर लेटर बुकिंग है, तो हम यहाँ आपको इसको क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर लेटर है, यहाँ पे सर्विस लेटर है, तो रजिस्ट्री नहीं करना है, ठीक है? रजिस्ट्री करेंगे तो आपको पैसा देना होगा, आपको सर्विस लेटर करना है। सर्विस लेटर करने के लिए पैसा नहीं लगता है पोस्टल एम्प्लॉय को। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ब्लैक कलर आ गया इधर सर्किल में। अब जा करके हम लेटर पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे हम लेटर नंबर देंगे, लेटर नंबर RW4825 9221IN इस तरह से है। यहाँ पे वेट देख लेंगे कितना है, तो हो सकता है ये 50 ग्राम का है, तो 50 ग्राम इधर दे देंगे, वेट देना जरूरी रहता है, तो हम यहाँ 50 ग्राम कर दिए। यहाँ पे देखिए सेंडर्स डिटेल्स है, कौन भेज रहा है, तो हम भेज रहे हैं, यहाँ पर दे देंगे GDS BPM, कहाँ का है, तो वासुदेवपुर यहाँ दे देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे देना है
पिन कोड कितना, पिन कोड 72452 है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 माइल एसओ आ गया। आप ब्रांच ऑफिस में करेंगे तो एसओ का पिन कोड देना होगा, ठीक है, एक ही एसओ के अंदर बहुत सारे हैं। मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर छोड़िए नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ही डिटेल्स है, तो हमको RPLI ब्रांच भेजना है, तो RPLI BR ब्रांच BRNCH ब्रांच यहाँ पे लिख देंगे कोंटा ही, ओके। वहाँ का पिन कोड दे देंगे 72401 है, देखिए यहाँ पे आएगा कोंटा ही अचो आया है। उसके बाद नीचे करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मांगेगा, तो हमको नहीं करना है, बस यहाँ पे प्रिंट कर देना है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट होने लगेगा। देखिए यहाँ सेम चीज़ है, वेट वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ देखिए इधर से निकल रहा है। देखिए पूरा चीज़ यहाँ डिटेल्स बन के आ रहा है, ठीक है।